الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ, چند تفسیری فوائد اور چند مسائل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریح رکھتے ہوئے سنیں. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو, بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ, ساتھ ہدایت اور سچے دین کے, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ اس سچے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور کافی ہے اللہ تعالی شہید. یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نام نہیں لیا, هو الذی فرمایا ہے. ہوا ضمیر ہے جو غائب کے لیے آتی ہے, جس کا معنی ہے وہ. اور پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں
कि जमीर का पता नहीं चलता जब तक मर्जा सामने ना हो। अल्लाह भी इसमें मौसूल है और इसमें मौसूल का पता नहीं चलता जब तक सिला सामने ना हो। तो अल्लाह ताला ने हुवल्लज़ी फरमाया, हुवा जमीर है, अल्लज़ी इसमें मौसूल है और ये दोनों मुबहम है। इस आयत में अल्लाह ताला ने ना तो अपना जाती नाम लिया है और ना सिफाती। यूं नहीं फरमाया हुवल्लाहुल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो अल्लाह है जिसने भेजा अपने रसूल को। वो अल्लाह ने अपना जाती नाम भी नहीं लिया। यूं भी नहीं फरमाया हुवर रहमानुल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो रहमान है जिसने भेजा अपने रसूल को। यानी अल्लाह ताला ने ना तो अपना जाती नाम लिया है ना सिफाती नाम लिया है, बल्कि यूं फरमाया है कि वो है जिसने भेजा अपने रसूल को। तो सवाल ये है कि वो कौन है? उसने अपना नाम तो लिया नहीं। तो इसको यूं समझो कि जैसे कोई बहुत बड़ा उस्ताद, बहुत बड़ा आलिम अपना तारुफ कराते हुए यूं कहे, लोगों मैं वो हूं जिसका फुलां शागिर्द है। तो अगर वो बहुत बड़ा उस्ताद अपना तारुफ इस तरह कराता है तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि लोग मेरे उस शागिर्द को जानते हैं, उसकी काबिलियत, सलाहियत, इल्म व फजल को जानते हैं, और जब मैं ये कहूंगा कि मैं उसका उस्ताद हूं तो ये लोग खुद ही अंदाजा कर लेंगे कि जिसका शागिर्द इतना बड़ा काबिल है, इतना बड़ा फाजिल है, उसका उस्ताद कितना बड़ा काबिल और कितना बड़ा फाजिल होगा। या कोई बहुत बड़ा मेहमान कारीगर अपना तारुफ कराते हुए यूं कहे कि लोगों मैं वो हूं जिसने आगरे का ताजमहल बनाया है, तो वो अपना तारुफ अगर इस तरह कराता है तो उसका मकसद क्या है? कि ये लोग आगरे के ताजमहल की खूबसूरती को अच्छी तरह जानते। तो जब मैं ये कहूंगा कि मैं ही वो शख्स हूं जिसने आगरे का ताजमहल बनाया है तो ये लोग जान लेंगे, समझ लेंगे कि जिस कारीगर ने, जिस मेमार ने ऐसी अजीम शान इमारत बनाई है वो कितना बड़ा मेमार और कितना बड़ा कारीगर होगा। बिला तशबीह अल्लाह ताला भी अपना तारुफ कराता है तो इस तरह कराता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो है जिसने भेजा अपने रसूल को। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लोगों मैं वो हूं जिसने इस रसूल को तुम्हारे पास भेजा है, तो इस रसूल को देखो, इस रसूल की अजमत और शान को देखो, इस रसूल के फजाइल और कमालात को देखो, तो देखकर अंदाजा कर लो कि जिसके रसूल की ये अजमत और शान है उसके पैदा करने वाले और भेजने वाले खालिक और मालिक की क्या शान हो। अल्लाह ताला अपना तारुफ कराता है तो अपने रसूल के जरिए से कराता है। देखिए अल्लाह तबारक व ताला की जात गैबुल गैब है, हमारी आंखें उसको देख नहीं सकती,
हमारे कान उसको सुन नहीं सकते, हमारी नाक उसको सूंघ नहीं सकती, हमारी जबान उसको चख नहीं सकती, हमारे हाथ उसको छू नहीं सकते, हमारी अकल वहां तक पहुंच नहीं सकती। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम मुझे किस तरह समझ सकते हो, महसूसात तक, और मैं महसूसात से बुलंदू बराउल बरा हूं। तुम्हारे पास दूसरी चीज है अकल, और मैं अकल से भी बुलंदू बराउल बरा हूं। ना तुम्हारे हवास मेरा इदराक कर सकते हैं, ना तुम्हारी अकल मुझको समझ सकती है और पा सकती है, तो तुम मुझे किस तरह जानोगे, तुम मुझे किस तरह पहचानोगे। तो लोगों, मैंने तुम्हारे पास अपना रसूल अपनी जातो सिफात का मजहर बना के भेजा है कि इस रसूल को देखो, इस रसूल के इलम को देखो और मेरे इलम का अंदाजा कर लो, इस रसूल के इलम को देखो और मेरे हिलम का अंदाजा कर लो, इस रसूल के कर्म को देखो, मेरे कर्म का अंदाजा कर लो, इस रसूल के रहम को देखो, मेरे रसूल हुस्न जमाल को देखो, मेरे हुस्न जमाल का अंदाजा कर लो, इस रसूल के कमाल को देखो तो मेरे कमाल का अंदाजा कर लो। मैंने अपना रसूल तुम्हारे पास इस वास्ते भेजा है कि इस रसूल को देखकर और इस रसूल के कमालात को देखकर तुम मेरे कमालात को समझ लो और तुम्हें मेरी मारिफत हासिल हो जाए। अल्लाह हू अकबर। देखिए, यहां पढ़े लिखे हजरात भी मौजूद हैं, अरबी दान भी मौजूद है, अल्लदी इसमें मौसूल है, अरसला रसूलहू उसका सिला है। तुम इसमें मौसूल का पता नहीं चलता जब तक सिला सामने ना आ जाए। तो अल्लाह फरमाता है, लोगों जिस तरह इसमें मौसूल का पता बगैर सिले के नहीं चल सकता, इसी तरह तुम्हें मेरा पता बगैर मेरे रसूल के नहीं चल सकता। अगर मेरी मारिफत हासिल करना चाहते हो तो मेरे रसूल का दामन थाम लो। जब मेरे रसूल का दामन थाम लोगे तुम्हें मेरी मारिफत हासिल हो जाएगी। अगर मेरे रसूल का दामन छोड़ दोगे तो तुम्हें मेरी मारिफत हासिल नहीं हो सकेगी, क्योंकि मेरी मारिफत का जरिया जाते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो है जिसने भेजा अपने रसूल को। याद रखो, सरकारे दुआलम अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की मारिफत का जरिया है। हदीसे कुदसी से भी ये हकीकत साबित है, ये हदीसे कुदसी मानन सही है। इमाम मुल्ला अली कारी ने मौजूआते कबीर के अंदर ये इरशाद फरमाया है कि ये हदीस मानन सही है। क्या? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुंतु कंजन मख्फियन, मैं एक मख्फी खजाना था। कुंतु कंजन मख्फियन, मैं एक खजाना था मख्फी पोशीदा। फअहबब तो, बस मुझे मोहब्बत हुई। मैंने चाहा, अन ओ राफा, कि मैं पहचाना जाऊं, मैं मशहूर ओ मारूफ हो जाऊं। फखलकतुल खलका, तो मैंने खल्क को पैदा किया। फ
فَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, میں نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا. اس حدیث پاک میں ذرا غور کیجئے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی پوشیدہ خزانہ تھا, پس مجھے محبت ہوئی, میں نے چاہا. یاد رکھیے, سب سے پہلے محبت ہوئی ہے تو اللہ کو ہوئی, سب سے پہلے محبت ہوئی ہے تو اللہ کو ہوئی ہے. اللہ تعالی کی ذات اقدس سے, یہ تصوف کی بات ہے, معرفت کی بات ہے, ذرا غور سے سننا. اللہ تبارک و تعالی کی ذات بحق, ذات اقدس سے سب سے پہلی تجلی جو پھوٹی ہے, اس تجلی کا نام ہے تجلی حبی. تجلی حبی, اور اس تجلی حبی کا نتیجہ اور اس تجلی حبی کا ظہور ہوا ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. سب سے پہلی تجلی جو اللہ تعالی کی ذات اقدس سے پھوٹی, اس تجلی کا نام ہے تجلی حبی, اور اسی تجلی حبی نے مصطفیٰ کی صورت اختیار فرمائی. تو اللہ تعالی نے سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا. یہاں میں ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, کنتو کنزن مخفیاً, میں ایک مخفی خزانہ تھا, پوشیدہ خزانہ تھا. سوال یہ ہے کہ جب اس کے سوا کوئی اور تھا ہی نہیں تو وہ پوشیدہ کس سے تھا؟ ہیں, اس کے سوا تو کوئی اور ہے تھا ہی نہیں تو وہ پوشیدہ تھا, تو کس سے پوشیدہ تھا؟ اس کے سوا تو کوئی اور چیز تھی ہی نہیں. اور وہ فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ مخفی خزانہ تھا. تو اس کے متعلق میں اپنے شکستہ الفاظ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں, اللہ تبارک و تعالی کی ذات قدیم ہے, ازلی ابدی ہے. ازلی ابدی اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جس طرح اس کی ذات قدیم ہے, اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے. اللہ تبارک و تعالی کی صفات بھی قدیم ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی کی صفات مثلا رب ہونا, ربوبیت اس کی صفت ہے یا نہیں, اور ربوبیت کے معنی کیا ہیں؟ پالنا, اور رب کے معنی ہے پالنے والا. رحمان, یہ اس کی صفت ہے. رحمان کے معنی کیا ہے؟ رحم کرنے والا. رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا. رزاق کے معنی ہے بہت زیادہ رزق دینے والا. ستار کے معنی ہے پردہ پوشی کرنے والا. غفار کے معنی ہے بخشنے والا. ذرا غور کرنا,
उसकी सिफात तो कदीम है, वो अजली तौर पर रब है, मगर उसका रब होना पोशीदा था, उसका रहमान और रहीम होना पोशीदा था, सत्तारों गफार होना पोशीदा था। कैसे? रब के माने हैं पालने वाला, तो जब पलने वाला ही कोई नहीं था तो उसकी सिफत तो थी मगर उसका जहूर नहीं था। रज़ाक के माने बहुत ज्यादा रिज़क देने वाला, उसकी सिफते रज़ाकियत तो थी मगर जब रिज़क लेने वाला ही कोई नहीं था तो सिफत पोशीदा थी, उसका जहूर नहीं था। वो सत्तार था, उसकी सिफते सत्तारियत तो थी मगर जिनकी उसने पर्दा पोशी करनी थी वो थे ही नहीं, तो सिफत तो थी मगर उसका जहूर नहीं था। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं एक मख्फी खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मारूफ हो जाऊं, मेरी सिफात का जहूर हो जाए, मेरा खजाना जो है वो बाहिर आ जाए, तो मैंने नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। मालूम हुआ कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की जात पैदा ना होती तो अल्लाह ताला रब होके रब ना होता, रहमान होके रहमान ना होता, रहीम होके रहीम ना होता, सत्तार होकर सत्तार ना होता, गफार होकर गफार ना होता। यानी उसकी सिफात तो होती मगर उसकी सिफात का जहूर ना हो, वो पोशीदा ही रहे। तो मालूम हुआ अल्लाह ताला को जाहिर किसने किया है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला ने अपने जहूर का जरिया, अपनी मारिफत का जरिया सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाती अकदस को बनाया। इसी वास्ते दूसरी हदीस है, लौला कलमा अजहर तुर रबूबिया। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब अगर तू ना होता तो मैं अपनी सिफत रुबूबियत को ही जाहिर ना करता। और मैंने एक बात आपके सामने की है कि सबसे पहले मोहब्बत हुई है तो अल्लाह को हुई है, सबसे पहले जाती अकदस से जो तजल्ली फूटी है वो मोहब्बत की तजल्ली है, उसका नाम है तजल्लिय हुब्बी, और उस तजल्ली ने सूरत इख्तियार की है जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये सारा कारखाना मोहब्बत का कारखाना है, ना रब को मोहब्बत होती, ना रब अपना हबीब पैदा करता, और ना ये कायनात होती है, ये सब कुछ उनकी खातिर पैदा किया है, सब कुछ उनकी खातिर पैदा किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला का मकसूद जात मुस्तफा है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को पैदा किया, और नबी करीम की जात ही अल्लाह की मारिफत का जरिया है। जिसने हुजूर का दामन थाम लिया उसको खुदा की मारिफत हासिल हो गई, और जिसने दामन छोड़ दिया उसको खुदा की मारिफत हासिल नहीं हुई, क्योंकि मारिफत का जरिया सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अकदस। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, यही वजह है कि हमें अल्लाह का कलाम मिला है तो हुजूर के जरिए से, अल्लाह का दीन इस्लाम मिला है तो हुजूर के जरिए से, ईमान मिला है तो हुजूर के जरिए से, हमने अल्लाह को जाना पहचाना है
तो हुजूर के जरिए से, अल्लाह की इबादत के तरीके मालूम हुए हैं तो हुजूर के जरिए से, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को ही जरिया बनाया है। अब क्या किया जाए, जहालत का तो कोई इलाज ही नहीं है। जिद और तासुब मैं ना मानूं, ये तो लाइलाज मर्ज है। मौलवी मोहम्मद कासिम साहब ना नोतवी, जो मदरसा देवबंद के बानी है और तबलीगी हजरात के सबसे बड़े आलिम है, उन्होंने लिखा है कि नबियों को नबुव्वत मिली है तो सरकार के जरिए से। वो कहते हैं सारे नबियों में जितने भी कमाल आते हैं वो कमाल आते मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अक्स है। असल कमालात हुजूर की जात में है, उनके अंदर अक्स है। जैसे शीशे में अक्स नजर आता है, इस तरह सारे नबियों को बमंजिला शीशों के समझो और उनमें जितने कमालात नजर आते हैं वो कमालात हकीकत में सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम के कमालात। अल्लाह ये फरमाते हैं नबियों को नबुव्वत मिली तो सरकार के जरिए से, सिद्दीकों को सिद्दीकियत मिली, शहीदों को शहादत मिली, वलियों को विलायत मिली, मोमिनों को ईमान मिला, मुसलमानों को इस्लाम मिला, आरिफों को इरफान मिला, तो सब नबी पाक अलैहिस्सलाम के जरिए से। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हकीकत को एक शेर में पेश किया। फरमाते हैं लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला इनसे मिला। लावा रब्बिल अर्श का माना है रब्बुल अर्श की कसम। लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला इनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो मेरे दोस्तों मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपनी जातो सिफात का, अपनी जातो सिफात की मारिफत का जरिया बनाया। और आप जानते हैं कि जरिया जो होता है, सबब जो होता है, वो मुसब्बब से पहले होता है। जरिया जो होता है, वसीला जो होता है, सबब जो होता है, वो मुसब्बब से पहले होता है। तो चूंकि अल्लाह ताला ने सारी कायनात के वास्ते मारिफत का जरिया और वसीला सरकारे दो आलम की जात को बनाया, इसलिए जरूरी था कि सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम सारी कायनात से पहले हो, क्योंकि सबब हमेशा मुसब्बब से पहले हुआ करता है। बोलो, बच्चे की पैदाइश का सबब अल्लाह ने किसको बनाया है? मां बाप को। तो मां बाप पहले होंगे तो बच्चा बाद में होगा ना, क्योंकि मां बाप सबब है, जरिया। तो जरिया पहले होगा, सबब पहले होगा, तो मुसब्बब यानी बच्चा बाद में होगा। तो याद रखो, सबब हमेशा पहले हुआ करते। और चूंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम सारी कायनात की तखलीक का भी सबब है और सारी कायनात के लिए अल्लाह की मारिफत का भी सबब है, इसलिए जरूरी था
कि अल्लाह ताला सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की जात को सारी कायनात से पहले पैदा करता। चुनांचे मैं एक किताब साथ लाया हूं, कराची से पाकिस्तान से चलकर साउथ अफ्रीका में आया हूं, डरबन में आया हूं। मेरा मकसद यह है कि जिन बातों में इत्तेफाक है, इख्तिलाफ नहीं, जिन बातों को सब मानते हैं उनको मानो, उन पर यकीन करो। ये देखो मेरे हाथ में किताब है, इस किताब का नाम है नशरुत्तीब। किताब का नाम क्या है? नशरुत्तीब फी जिक्रिन नबील हबीब। ये किताब है, ये किसने लिखी है? ये लिखी हुई है मौलवी अशरफ अली साहब थानवी की, और छपी हुई है दारुल इशात देवबंद जिला सहारनपुर की, छपी हुई भी वहां की है। मौलवी अशरफ अली थानवी उलमाए देवबंद में वो आलिम है कि तबलीगी जमात के जो सबसे बड़े थे ना, मौलवी मोहम्मद इलियास साहब, जिन्होंने तबलीगी जमात कायम की थी, उनके मलफूजात पढ़कर देखो। उसके अंदर वो लिखते हैं मौलवी अशरफ अली साहब थानवी को कि मैं चाहता हूं कि जो आपका अकीदा है, आपका नजरिया है, आपका मसलक है, उसकी तबलीग करूं। मसलक हो आपका, अकीदा और नजरिया हो आपका, लेकिन तबलीग करने का अंदाज हो मेरा अपना। मैं अंदाज जो इख्तियार करूंगा तबलीग का, वो जरा मुख्तलिफ होगा, लेकिन तबलीग आपके ही मसलक की करूंगा। ये मलफूजात में मौजूद है। मालूम हुआ उनका मकसद था उलमाए देवबंद के मसलक की तबलीग करना। तो हम कहते हैं चलो उनकी तबलीग करते हो तो उनकी बातें मान लो, जिनके मसलक की तबलीग करने के वास्ते जमात बनाई है उनकी बात ही मान लो। उकाड़वी की नहीं मानते हो तो थानवी की मान लो, और अगर थानवी साहब की भी ना मानो तो फिर बोलो इसका क्या इलाज। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बुरा भला नहीं कह रहा, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये किताब है थानवी साहब की। इस किताब के अंदर उन्होंने दीबाचे में ये दावा किया है कि चूंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर, हुजूर के हालात पर जो किताबें लिखी जाती हैं, उनमें मौजू रिवायतें भी होती हैं, गलत रिवायतें भी होती हैं, जईफ रिवायतें भी होती हैं, कमजोर रिवायतें भी होती हैं, तो थानवी साहब फरमाते हैं मैंने चाहा कि मैं ऐसी किताब लिखूं जो सही रिवायात पर मुश्तमिल हो, यानी उसके अंदर सारी रिवायतें सही हो, कोई कमजोर रिवायत है। और साथ ये भी लिखा है कि बिदती लोग, ये बिदती हमें कहते हैं, जैसे कि बिदतियों की आदत है कि जईफ कमजोर रिवायतें भी नकल कर देते हैं, थानवी साहब कहते हैं मैंने चाहा कि बिदतियों की तरह ना हो, बल्कि जैसा कि अहले हक का तरीका होता है कि वो सच्ची और सही रिवायात नकल करते हैं, तो वो कहते हैं मैंने इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल किया है और इस किताब में मैंने सही रिवायतें लिखी। अब वो मैं सही रिवायतें जो हैं वो सिर्फ दो तीन तुम्हें सुनाकर फिर आगे चलता हूं। किताब मेरे पास मौजूद है, तकरीर के बाद जिस शख्स का दिल चाहे वो आकर मेरे पास देख ले। ये जो मैं हवाले पढ़कर सुना रहा हूं,
अगर कोई गलत साबित कर दे कि ये इस किताब में नहीं है तो जो चाहे मुझे सजा दे, और अगर हवाले सही हो तो हम किसी को सजा नहीं देते, हम इतना ही कहते हैं ईमान ले आओ, मान जाओ। सुनो, उन्होंने किताब को शुरू किया है तो लिखते हैं पहली फसल नूरे मुहम्मदी के बयान में, पहली फसल नूरे मुहम्मदी के बयान में। तो इस उनवान को कायम करके, फसल को कायम करके सबसे पहली हदीस जो रिवायत करते हैं वो सुनो। पहली रिवायत अब्दुल रज़ाक ने अपनी सनद के साथ हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से रिवायत किया है कि मैंने अर्ज किया कि मेरे मां बाप आप पर फिदा हो, मुझको खबर दीजिए कि सब अशिया से पहले अल्लाह ताला ने कौन सी चीज पैदा की। आप समझ रहे हैं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से रिवायत है, वो फरमाते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मेरे मां बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे खबर दीजिए कि अल्लाह ताला ने तमाम अशिया, तमाम चीजों से पहले कौन सी चीज पैदा की। आपने फरमाया ऐ जाबिर, अल्लाह ताला ने तमाम अशिया से पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से पैदा किया। हुजूर ने क्या फरमाया, ऐ जाबिर, अल्लाह ताला ने तमाम चीजों से पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से पैदा किया, फिर वो नूर कुदरत इलाहिया से जहां अल्लाह ताला को मंजूर हुआ सैर करता रहा, और उस वक्त ना लौह थी ना कलम था और ना बहिश्त थी और ना दोज़ख था और ना फरिश्ता था और ना आसमान था और ना जमीन थी और ना सूरज था और ना चांद था और ना जिन था और ना इंसान था। ये बात भी याद रखना, ना इंसान था। फिर जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा करना चाहा तो उस नूर के चार हिस्से किए, एक हिस्से से कलम पैदा किया, दूसरे से लौह और तीसरे से अर्श। आगे हदीस तवील है, आगे हदीस तवील है यानी लंबी है, उन्होंने इतनी लिखी है। इसके बाद वो क्या लिखते हैं, अब इसकी शरह में लिखते हैं, इस हदीस की शरह में, इस हदीस से नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अव्वलुल खल्क होना बावलियत हकीकिया साबित हुआ। यानी इस हदीस से साबित हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर तमाम चीजों से पहले हकीकी तौर पर पैदा हुआ। यानी ये हकीकत है कि अल्लाह ने सबसे पहले जो चीज पैदा की है वो नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उन्होंने हदीस लिखी है, सही हदीस है, सलातो सलाम के नूर को पैदा किया। हम भी यही कहते हैं, वो भी यही कहते हैं। तो अब चाहिए ना कि सब इस बात को मान लें कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया है। जो ना माने, अब तुम खुद समझ लो, जो अपने बड़ों की भी नहीं मानते और उनके बड़ों की जो बात है वो उनकी अपनी नहीं, वो हदीस है,
वो रसूलुल्लाह का फरमान है। तो जो अपने बड़ों की रिवायत करता सही रिवायात को सही हदीसों को भी नहीं मानते वो उकाड़वी की कहां मानेंगे? सोचो जरा हैं। अब हदीस तो आपने सुन ली, अब अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, शऊर बख्शा है, आइए जरा इस हदीस पर थोड़ा सा तबसरा करें। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बोलो, अल्लाह ताला ने तमाम चीजों से पहले किस चीज को पैदा किया? नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहां से पैदा किया, किससे पैदा किया? अपने नूर से। यहां मैं आपको बता दूं कि ये ना समझना कि अल्लाह ताला ने अपने नूर का कोई टुकड़ा जुदा करके अलग करके उसका मोहम्मद बना दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारा अकीदा नहीं है और किसी भी मुसलमान का अकीदा नहीं है। अल्लाह ताला का नूर टुकड़े होने से, अज्जा होने से पाक है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का नूर अल्लाह के नूर का टुकड़ा या जुज नहीं है, बल्कि अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया का क्या मतलब कि अपने नूर के फैज से नबी करीम का नूर पैदा किया। अब एक बात और सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि नबी करीम का नूर पैदा किया, मालूम हुआ पहले नहीं था। तो अल्लाह ताला का नूर है कदीम, नबी करीम अलैहिस्सलाम का नूर है हादिस, अल्लाह ताला का नूर है अजली अबदी। हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर अजली अबदी नहीं है। अल्लाह ने पैदा किया, जब पैदा किया तब वो नूर हुआ, उससे पहले नहीं था। तो बराबरी ना हुई, क्योंकि अल्लाह का नूर कदीम है, हुजूर का हादिस है, अल्लाह का नूर गैर मखलूक है। हुजूर का नूर मखलूक है, अल्लाह का पैदा किया हुआ है। कदीम और हादिस, मखलूक और गैर मखलूक कभी बराबर नहीं हो सकते। जब बराबरी ना हुई तो शिर्क वगैरह भी नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने सारी मखलूकात से पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम के नूर को पैदा किया। इस हदीस की अगर शरह की जाए तो सारी रात निकल जाए, मगर सिर्फ एक दो बातें अर्ज करता हूं। सुन चुके हैं आपके, उस वक्त ना लोहे महफूज थी, ना कलम था, ना अर्श था, ना आसमान थे, ना जमीने थी, ना जिन, ना इंसान, ना फरिश्ते, ना सूरज, ना चांद, ना जमीन, कोई चीज नहीं थी। तो यहां तो बड़ी बातें हो सकती हैं, सिर्फ दो बातें अर्ज करता हूं। बोलो, उस वक्त कोई इंसान था? मां बाप थे? कोई बशर था? और हुजूर थे या नहीं थे? क्या थे? नूर। क्या थे? नूर। मालूम हुआ तखलीकन, खिलकत के लिहाज से हुजूर अल्लाह के नूर है। और अगर कोई नूर लिबास बशरी में आ जाए तो उसके नूर होने में फर्क नहीं आता। बड़ी मोटी सी बात, कुरान पढ़ के देख लो, जिब्रील अमीन नूर है। जब अल्लाह ताला ने जिब्रील को हजरत मरियम के पास भेजा तो सूरह मरियम पढ़ के देखो, कुरान पढ़ के देखो कि अल्लाह ताला ने जिब्रील को क्या बनाकर भेजा। आयत सुनो, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फारसलना इलैहा रूहना फतमसल लहा बशरन सबिया। हमने मरियम की तरफ अपनी रूह
रूहुल अमीन जिब्रील को पूरा बशर बना के भेजा। पूरे बशर की सूरत में शक्ल में मुतसव्वर और मुतशक्कल करके भेजा। तो बोलो जिब्रील अमीन नूर है, वो हजरत मरियम के पास अगर बशकले बशर आ गए तो क्या उनके नूर होने में फर्क आ गया? जिब्रील नूर है, अगर बशर बन के आए तो उनके नूर होने में कोई फर्क नहीं आता। इसी तरह सरकारे दुआलम अलैहि सलातु वस्सलाम भी नूर है, अगर शक्ले बशरी में तशरीफ लाए आपके नूर होने में कोई फर्क नहीं आता। अब जरा गौर करो, जिब्रील अमीन हजरत मरियम के पास बशर बनकर क्यों आए? वजह यह थी कि जिब्रील अमीन ने हजरत मरियम को फैज पहुंचाना था। फैज पहुंचाना था, क्या फैज पहुंचाना था? कि वो अज्जाए रूहानी जो अल्लाह की तरफ से लेकर आए थे, वो अज्जाए रूहानी उनके अंदर फूंकने थे, मुंतकिल करने थे। तो चूंकि जिब्रील ने हजरत मरियम को फैज पहुंचाना था तो बशर बन के आए। क्यों? हजरत मरियम है जिनसे बशर में से। हजरत मरियम कौन सी जिनस में से है? बशर में से। और जिब्रील कौन सी जिनस में से है? नूर से। तो अब नूर ने बशर को फैज पहुंचाना था तो नूर बशर बन के आया। क्यों? के लेने और देने वाले में मुनासबत शर्त है। जब तक मुनासबत ना हो लेने वाला ले नहीं सकता और देने वाला दे नहीं सकता। नूर ने फैज पहुंचाना था बशर को तो वो बशर बन के आया, अगर बशर बन के ना आते तो फैज ना पहुंचता। अब सरकारे दो आलम ने भी दुनियाए बशरियत को फैज पहुंचाना था, तो अगर आप बशर बन के ना आते तो दुनिया बशरियत आपसे फैज कैसे हासिल करती? जिस तरह जिब्रील बशर बन के आए तो उनकी बशरियत जरिया था फैज पहुंचाने का, इसी तरह सरकार हकीकत में नूर है, बशर बन के इसलिए आए कि बशरों को फैज पहुंचाना था। मालूम हुआ कि मुस्तफा की बशरियत जरिया था बशरों को फैज पहुंचाने, क्योंकि अगर आप बशर बन के ना आते तो ये दुनिया बशरियत आपसे फैज हासिल नहीं कर सकती। एक बात और अर्ज करता हूं, ये मसला तो हल हो गया कि हुजूर हकीकत में नूर है। सब बोलो हुजूर हकीकत में नूर है। लिबासे बशरी में इसलिए आए कि दुनिया बशरियत को फैज पहुंचाना था, और लिबास के बदलने से हकीकत नहीं बदलती। जैसे जिब्रील लिबास बशरी में आए उनकी हकीकत नहीं बदली, हकीकत में वो नूर है। इसी तरह सरकार भी लिबास बशरी में तशरीफ लाए तो हकीकत नहीं बदली, हकीकत में आप नूर है। एक दूसरी बात अर्ज करके फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों जरा गौर करना, ये बात बड़ी प्यारी है। एक होती है जरूरत और एक होता है जरूरतमंद। तो ये उसूले कुदरत और कानून फितरत है कि जरूरत जरूरतमंद से पहले हुआ करती है। जरूरत जो है वो जरूरतमंद से पहले होती है। अगर जरूरतमंद हो और उसकी जरूरत का दुनिया में वजूद ही ना हो उसकी जिंदगी नहीं गुजर सकती। समझने के लिए एक दो मिसालें पेश करो। हमें पैदा होकर जरूरत थी किसी जगह की जहां हम रहते, तो बोलो अगर हम पैदा हो जाते और ये जमीन होती ही ना तो हम कहां रहते?
तो हमें पैदा होकर जरूरत थी मकान की, जगह की, जहां हम रह सकते, करार पकड़ सकते। तो हम हैं जरूरतमंद, हम थे जरूरतमंद, और ये जमीन जिसको मकान कहते हैं और ये जमाना जिसको जमान कहते हैं, इस मकान को यानी जमीन को अल्लाह ताला ने हमसे पहले पैदा किया, क्योंकि ये जरूरत और हम जरूरतमंद। अगर हमें अल्लाह पैदा कर देता और जमीन का वजूद ही ना होता तो हम रहते कहां। इसी तरह हमें पैदा होकर हवा की जरूरत थी, क्योंकि हवा हमारी जरूरत है, हवा है जरूरत और हम हैं जरूरतमंद। हमारी सांस का हवा से गहरा ताल्लुक है। यही वजह है कि किसी इंसान को ऐसी पेटी में बंद कर दो जो हवा प्रूफ हो, वाटर प्रूफ की तरह हवा प्रूफ हो, उसके अंदर हवा ना जाए ना आए, ऐसी पेटी में बंद कर दो तो फिर देखो कि वो आदमी उस पेटी में कितने घंटे निकालता है, मर जाएगा, मर जाएगा। तो हमारी जिंदगी का, हम जो सांस लेते हैं, इसका हवा से गहरा ताल्लुक है। तो हवा जो है ये हमारी जिंदगी के लिए एक जरूरत है और हम हैं जरूरतमंद। अगर अल्लाह हमें पैदा कर देता और हवा का दुनिया में वजूद ही ना होता तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो अल्लाह ने हमें बाद में पैदा किया और हमारी जरूरत हवा को हमसे पहले पैदा की। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसी तरह मैं आपको बहुत सी मिसालें दे सकता हूं। एक बात अर्ज करता हूं, बच्चा जब पैदा होता है तो वो पैदा होकर गेहूं की, चने की, मक्की की रोटी नहीं खा सकता, बिरयानी नहीं खा सकता, गोश्त नहीं खा सकता। खा सकता है? नहीं खा सकता, क्योंकि उसका मैदा बहुत कमजोर है। कमजोर मैदा ऐसी ग़िज़ाओं को हजम करने की सलाहियत नहीं रखता, ऐसी ग़िज़ाओं का मुतहम्मल नहीं हो सकता। और अगर बच्चे को पैदा होते ही गोश्त खिलाना शुरू कर दो वो बीमार हो जाएगा। तो उसको पैदा होते ही किस ग़िज़ा की जरूरत है? जो बड़ी हल्की फुल्की हो, वैसे कुव्वत हो उसमें, लेकिन हजम करने के लिहाज से, हजम होने के लिहाज से जूद हजम, जल्दी हजम होने वाली, हल्की फुल्की हो। तो मां का दूध जो होता है उसके अंदर कुव्वत होती है, गिजा होती है, मगर वो ऐसा हल्का फुल्का होता है कि बच्चे का मैदा आसानी से उसको हजम कर लेता है। तो आप जानते हैं कि वही मां होती है, सारी जिंदगी गुजर जाती है, उसको दूध नहीं आता, और जब बच्चे के गोद में आने का वक्त होता है तो पहले से ही दूध आ जाता है। बकरियों को देखो, ये गायें भैंसी हैं, इनको देखो, इनके थन जो होते हुए वो सूखे हुए छोटे से होते हैं, लेकिन जब बच्चे के पैदा होने का वक्त आता है तो दो तीन दिन पहले से ही वो दूध से थन भर जाते हैं और बड़े बड़े हो जाते हैं। क्यों? कि अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि इस बच्चे को पैदा होते ही इस गिजा की जरूरत है। तो बच्चा मां की गोद में बाद में आता है और उसकी जरूरत और उसकी गिजा को अल्लाह ताला मां के सीने में पहले ही पैदा कर देता। तो ये अल्लाह ताला का कानून है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो जरूरत को जरूरतमंद से पहले पैदा करता है। जब आपने ये सुन लिया तो अब जरा गौर करो, हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले जमीन थी, आसमान थे, सूरज चांद सितारे थे,
जिन इंसान हैवान खुराक खाना पीना हवा ये चीजें थी, अर्श लो कलम कुछ भी नहीं था। हुजूर से पहले सिर्फ अल्लाह था, तो मसला समझ में आ गया कि इस कायनात में नबी करीम अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह के जरूरतमंद हैं। अगर नबी करीम किसी और चीज के मोहताज और जरूरतमंद होते तो वो चीज हुजूर से पहले होती, क्योंकि जरूरत का वजूद जरूरतमंद से पहले हुआ करता है और हुजूर से पहले कुछ भी नहीं था। मालूम हुआ नबी करीम अलैहिस्सलाम इस कायनात में सिर्फ अल्लाह के मोहताज हैं, हुजूर से पहले अल्लाह था और सारी कायनात से पहले हुजूर थे। तो अल्लाह ने सारी कायनात से पहले हुजूर को पैदा करके ये साबित कर दिया कि मेरा महबूब जरूरत है और सारी कायनात जरूरतमंद है, मेरा हबीब जरूरत है, मेरा हबीब हाजत है और सारी कायनात मेरे हबीब की मोहताज है, जरूरतमंद है। क्यों? के नबी करीम से पहले और कोई चीज अल्लाह यार। अब एक बात समझ लो, अगर हुजूर खाने पीने के मोहताज होते तो वो खाना पीना पहले होता, तो हुजूर खाने पीने के मोहताज नहीं, मकान जमान के मोहताज नहीं, क्योंकि ना मकान था ना जमान था और हुजूर थे, मां बाप नहीं थे, सिर्फ अल्लाह था, हुजूर अल्लाह के मोहताज है, सारी कायनात हुजूर की मोहताज है। अगर हुजूर भी किसी चीज के मोहताज होते, हुजूर को किसी चीज की जरूरत होती तो वो चीज हुजूर से पहले होती। अब आप कहेंगे कि फिर हुजूर ने खाया पिया क्यों, जब जरूरत नहीं थी तो खाया पिया क्यों, जब जरूरत नहीं थी तो बीवी बच्चे क्यों किए, जब जरूरत नहीं थी तो मकान क्यों बनाया है, जब जरूरत नहीं थी तो सोते क्यों थे, जब जरूरत नहीं थी तो कारोबार क्यों किया। तो मैं कहूंगा खुदा की कसम हुजूर ने ये सब कुछ किया मगर मोहताज होकर नहीं किया, मेरी तुम्हारी तालीम के वास्ते किया है। खाया पिया इस तरह के हमें खाने पीने के आदाब सिखाने थे, बीवी बच्चे इस वास्ते किए कि बीवी बच्चों के रखने के आदाब सिखाने थे, एक दूसरे के हुकूक बताने थे। याद रखो सरकारे दो आलम अल्लाह के मोहताज हैं और सारी कायनात हुजूर अलैहिस्सलाम की यानी सरकार की मोहताज है। अल्लाह सारी कायनात से पहले अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की जात को पैदा किया। और सुनिए आगे, इसमें आपने सुना है ना, लिखा है कि जब अल्लाह ने और मखलूक को पैदा करना चाहा तो उसी नूरे मुहम्मदी के चार हिस्से किए, एक हिस्से से बनाया कलम, दूसरे हिस्से से बनाया लोहे महफूज और तीसरे हिस्से से अर्शे मुअल्ला। आगे लिखा है कि हदीस तवील है। देखिए लोहे महफूज बोलो कहां से पैदा हुई, नूरे मुहम्मदी, बोलो सारे नूरे, अल्लाह ने नूरे मुहम्मदी से इसको बनाया ना। कलम कहां से पैदा हुआ, नूरे मुहम्मदी से। अर्श कहां से पैदा हुआ, नूरे मोहम्मदी से। ये तीन बातें जरा ध्यान में रखो, जब अल्लाह ताला ने नूरे मोहम्मदी से कलम और लोहे महफूज को पैदा किया तो कलम को हुक्म दिया उक्तुब लिख, लोहे महफूज पर लिख, तो कलम ने कहा मा अक्तुबु मैं क्या लिखूं, अल्लाह ताला ने फरमाया उक्तुब
उक्तुब मा काना व मा सयकून, जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होने वाला है सब कुछ लिख दे। फकतब मा काना व मा सयकून, कलम ने लिख दिया। तो कलम को मा काना व मा यकून का इल्म हासिल था, तभी तो उसने लिख दिया। और कलम पैदा हुआ है हुजूर के नूर से, तो जिसके नूर से कलम पैदा हुआ है और जिसके नूर का जुज है कलम, उस कलम के इल्म का जब ये हाल है तो खुद सरकार के इल्म का क्या हाल है। और लोहे महफूज में हर चीज का इल्म है, हर चीज की तफसील लिखी हुई है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है वकुल्लु सगीरिम व कबीरिम मुस्ततर, हर छोटी बड़ी चीज लोहे महफूज पर लिखी हुई है। ला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दे वला रतबिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई दाना ऐसा नहीं जो जमीन की तारीकियों में अंधेरियों में गिरता हो, और कोई खुश्क तर चीज ऐसी नहीं जो लोहे महफूज में ना लिखी। हर शय की तफसील लिखी हुई है और लोहे महफूज पैदा हुई है हुजूर के नूर से, जिसके नूर के अज्जा के उलूम का ये हाल है, उस नूर के कुल के इलम का क्या हाल है। और जरा गौर से सुनना, अरश को अल्लाह ने कहां से पैदा किया? नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जरा ये देखो, मौलवियों से पूछो कि अर्श कितना बड़ा है, अर्श कितना बड़ा है? मैं बहुत मुख्तसर अर्ज करता हूं, ये जो जमीन है ना, रूए जमीन, साउथ अफ्रीका की जमीन नहीं, साउथ अफ्रीका से आगे जिधर से मैं आया हूं कीनिया, और फिर आगे सऊदी अरबिया, और सऊदी अरबिया से आगे पाकिस्तान, इन मुल्कों की रूए जमीन, पूरी दुनिया की जितनी भी जमीन है इस किस्म की 150 जमीनें और हो तो सूरज उनसे भी बड़ा है। यानी कि रूए जमीन का हुदूद अरबा निकालो, लंबी कितनी है, चौड़ी कितनी है, हिसाब लगा के टोटल लगाओ कि ये एरिया कितना है, और फिर 150 उतना ही एरिया और लगा लो, और फिर जमा करो और टोटल लगाओ, तो जितना रकबा एरिया बनेगा सूरज उससे भी बड़ा है। तो सूरज आसमान में एक प्लेट जितना नजर आता है, तो जिस आसमान में वो प्लेट जितना नजर आता है वो आसमान कितना बड़ा हुआ है? और पहले आसमान से दूसरा बड़ा है, दूसरे से तीसरा बड़ा है, तीसरे से चौथा बड़ा है, चौथे आसमान से पांचवा, पांचवें से छठा, छठे से सातवां, और ये सातों आसमान अर्शे मुअल्ला के ऊपर रख दो तो ऐसा मालूम होगा जैसे बहुत बड़ी ढाल पर सात चवन्नियां पड़ी हुई। चवन्नी होती है ना, आपके मुल्क में ये जो है ना, पांच क्या, फाइव सेंट छोटा जो है ना, कितनी होती है चवन्नी है? ये समझाने के लिए कि एक बहुत बड़ी डालो तो ये सात आसमान उसके ऊपर रख दिए जाए तो ऐसा मालूम हो जैसे एक बहुत बड़ी ढाल पर सात चवन्नियां पड़ी हुई है। तो अब आप अंदाजा कर लो कि अर्श कितना बड़ा है, और ये अर्श कहां से पैदा हुआ है? नूरे मुस्तफा से, जिसके जुज की वुसअत का ये आलम है, उस कुल की शान को कौन जानता है। अरे तुमने सरकार का वजूद देख लिया, ये वजूद बशरी जो यहां आया है ये तो मेरी तुम्हारी तालीम के वास्ते आया है। सरकारे दो आलम की अजमत और शान और बड़ाई और वुसअत को अल्लाह के सिवा कोई जानता है? अल्लाह या रसूल।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर पर्दे उठा दें और अपनी हकीकत को जाहिर कर दें तो कायनात की कोई चीज ताब ना ला सके। इसी वास्ते हजरत मौलाना हसन रजा खान साहब ने बड़ा प्यारा शेर फरमाया, फरमाते हैं एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। हुजूर की शान को समझना हो तो वाकई मेराज पर गौर करो। सिर्फ इशारा करता हूं, सिदरतुल मुंतहा पर जब पहुंचे तो जिब्रील ने कहा हुजूर मैं आगे नहीं जा सकता। फरमाया ये कोई दोस्ती का उसूल है, रास्ते में ही साथ छोड़ रहे हो, जब घर से उठाकर लाए हो तो आगे भी चलो। जिब्रील ने कहा हुजूर आगे जा नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं, ताकत ही नहीं, और अगर जाऊं कितना जाऊं, एक बाल के बराबर भी, बाल के बराबर भी अपनी हद से आगे बढ़ूं तो क्या होगा। इंतजावज तो एहतरक तो बिन नूर, अल्लाह के नूर से जल जाऊं। हजरत शेख सादी ने इसी का तर्जुमा किया, अगर यक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजद परम, अगर एक बाल के सिरे के बराबर भी आगे बढ़ूं तो अल्लाह के अनवारो तजल्लियात मेरे परों को जला दे। हुजूर ने फरमाया जिब्रील तेरी यहां इंतहा हो गई है, हमारी यहां से इब्तिदा हो रही है। तो जिब्रील रह गए, हुजूर आगे गए। हमारे एक बुजुर्ग हैं वो शेर फरमाते हैं, जिब्रील की आंखों से पूछो ए चश्मे हकीकत भी कह है तू। जिब्रील की आंखों से पूछो कि ए हकीकत को देखने वाले जरा बता। जिब्रील की आंखों से पूछो ए चश्मे हकीकत भी कह तू, उन्हें सिदरा पे तूने क्या पाया, सिदरा से बढ़े तो क्या पाया, उन्हें सिदरा पे तूने क्या पाया, सिदरा से बढ़े तो क्या पाया। जिब्रील ये बता जब सिदरा पर थे तो क्या थे और जब सिदरा से आगे गए तो फिर क्या थे। तो जिब्रील भी कहेगा कि आगे की बात मैं भी नहीं जानता। आगे जो हालात हैं पुरंदरा गौर से, सरकार की तीन शाने हैं, बशरी मलकी हकी। ये मैं नहीं कह रहा, किताबें पढ़ो, तफसीर रूहुल बयान उठा के देखो और तफसीर हुसैनी उठाकर देख लो जिसका और नाम रखा गया तफसीर कादरी, काफ हा या ऐन स्वाद इस आयत के तहत लिखा हुआ। हुजूर की तीन शाने हैं, बोलो कितनी शाने हैं, तीन शाने हैं। बस ये बात जरा गौर से सुन लो, जब हुजूर बीवी बच्चों के साथ होते थे, खाते पीते सोते जागते थे तो शाने बशरी का जहूर होता था। जब फरिश्तों से मामलात होते थे, वही वगैरह लेते थे तो शाने मलकी का जहूर होता था। और उसकी दो सूरतें होती थी, अगर जिब्रील
अपनी असली सूरत में आते तो नबी करीम अपनी बशरी सूरत से इनखिलाफ फरमाकर शान मलकी में जलवागर होकर जिब्रील से वही लेते थे। और कभी ये सूरत होती थी कि जिब्रील अमीन अपनी सूरत शान मलकी से इनखिला करके सूरत बशरी में मुतमस्सल होकर आते थे, तो हुजूर भी उस वक्त शान बशरी में जलवागर रहते और वही लेते। उस वक्त सहाबाए किराम भी जिब्रील को देखते थे कि सूरत बशरी में आए हुए। चुनांचे जब जिब्रील चले जाते थे तो हुजूर फरमाते थे मेरे साहबियों ये जिब्रील थे। तो जब फरिश्तों से मामलात होते वही का लेना देना होता तो हुजूर की शान मलकी का जहूर होता, और जब रब ताला से राजो नियाज और खलवत के लम्हात होते थे तो शान हकिया का जहूर होता। चुनांचे हुजूर खुद फरमाते, हुजूर फरमाते हैं लीमा अल्लाह वक्तुन ला यसाउनी फीहे मलकुम मुकर्रबुम वला नबीयुम मुरसल। हुजूर फरमाते हैं मेरे साहबियों मेरा अल्लाह के साथ एक ऐसा वक्त भी होता है कि मैं होता हूं और मेरा रब होता है, और फिर वो ऐसा वक्त होता है कि उस वक्त में कोई नबी मुरसल कोई फरिश्ता हायल नहीं होता, उसके लिए गुंजाइश ही नहीं होती कि वो दरमियान में आ सके। मैं होता हूं और मेरा रब होता। तो देखो सरकार कि ये तीन शाने जो हैं इन तीनों शानों का जहूर मेराज की रात हुआ। मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक शान बशरी का जहूर। बशरी कमार रखने वाले अक्सा में रह गए, हुजूर आगे गए। मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक शान मलकी का जहूर था। मलकी कमार रखने वाले सिदरा तक रह गए, हुजूर आगे गए। आगे शान हकिया का जहूर। तो अब आपकी समझ में बात आ गई। हुजूर ने फरमाया जिब्रील तेरी यहां इंतहा हो गई। क्या मतलब? कि तेरी शान मलकी की यहां इंतहा हो गई और हमारी शान हकिया की यहां से इब्तिदा हो रही। तो मियां सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को समझना हो तो मेराज के वाक्य पर नजर करो, जहां जिब्रील के पर जलते हैं वहां वो कपड़े भी नहीं जलते जो मुस्तफा के जिस्म के साथ लग जाते हैं। और आगे हुजूर जाते हैं और जाकर रब ताला को इन आंखों से देखते हैं। तो सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान हमारी समझ से बहुत बुलंद है। लो हम तो है ना सुन्नी और तुम लोग हमें कहते हो बरेलवी, हालांकि हम बरेलवी नहीं है, हम तो उकाड़वी हैं। हमें कोई बरेलवी कहता है? सब कहते हैं उकाड़वी। लेकिन आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हम इस वास्ते मानते हैं, उनसे अकीदत रखते हैं कि वो आशिके रसूलुल्लाह अपने वक्त के इतने बड़े आलिम थे कि उलमाए अरबो आजम ने उनको मुजद्दिद का खिताब दिया। अल्लाह अकबर। यार 1000 के करीब उनकी किताबें हैं जो उन्होंने लिखी, और उनकी किताबें 50 उलूम पर मुश्तमिल है। तो हम सिर्फ उनको इस वास्ते मानते हैं कि हमने उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनके एक एक लफ्ज से इश्के रसूल टपकता है, वरना हमने तो उनको देखा भी नहीं, बरेली कभी गए भी नहीं है। तो हमें अगर किसी से मोहब्बत और अकीदत है तो वो भी अल्लाह रसूल की वजह से, और किसी से दुश्मनी और अदावत है तो वो भी अल्लाह रसूल की वजह से। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग्ज़ु लिल्लाह का मामला है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरा गौर से सुनो, मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं।
मैं ये अर्ज कर रहा था, नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात को अल्लाह ताला ने अपनी मारिफत का जरिया बनाया, और जो जरिया होता है, वसीला होता है, सबब होता है, वो हमेशा पहले होता है। इसी वास्ते अल्लाह ने सारी कायनात से पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात अक्दस को पैदा फरमाया। पैदा तो हुए थे सबसे पहले, और तशरीफ लाए सारे नबियों के बाद। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो है जिसने भेजा अपने रसूल को। यही वजह है कि अल्लाह ने अरसला फरमाया है, अरसला रसूलहू, खलका रसूलहू नहीं फरमाया। क्योंकि अगर खाला का फरमाते तो खाला का मादा है खलकुन, जिसके माने पैदा करना, तो अल्लाह ने खाला का नहीं फरमाया, अरसाला फरमाया है। और अरसाला का मस्तर है इरसाल, और इरसाल के माने है भेजना, और भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद है। तो अल्लाह ने अरसाला फरमाकर इस हकीकत की तरफ इशारा कर दिया है कि जब मेरा हबीब तुम्हारे पास आया है, उस वक्त इसकी तखलीक नहीं हुई, तशरीफ आवरी हुई है, इरसाल हुआ है, क्योंकि तखलीक तो इसकी सारी कायनात से पहले हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, क्या लेकर आए, बस ये सुन लो, बिल हुदा व दीनिल हक, हिदायत और सच्चा दीन। हिदायत लेकर आए, हादी बनकर आए। अल्लाह ने क्या देकर भेजा, हिदायत, और क्या बनाकर भेजा, हादी। ये हादी मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह फरमाता है इन्नमा अंता मुनज़िरुम वाले कुल्ले कौमिन हाद, ऐ मेरे हबीब सिवाय इसके और कुछ नहीं कि आप डर सुनाने वाले हैं और हर कौम के हादी हैं। वाले कुल्ले कौमिन हाद, हुजूर हादी, हादी के माना क्या है, हिदायत देने वाला। हिदायत लेकर आए क्यों, इसलिए कि आगे हिदायत दें। रब ने हिदायत का खजाना देकर भेजा, हादी बना के भेजा, मेरे हबीब हिदायत का खजाना ले जा और आगे हिदायत दे। मगर दे किसको, जिसके लिए मेरा हुक्म हो, जिसको मैं कहूं महबूब इसको दे दो, दे, और जिसको मैं कहूं महबूब इसको नहीं देनी, उसको हिदायत नहीं देनी। यहां एक बात करता हूं, ये जो 14वीं सदी के लोग हैं, असल में मैं हमेशा आपको पहले भी बार बार बता चुका हूं कि किसी उस्ताद से इलम पड़ा हो तो फिर है ना, राह चलतों को, गली कूचों में फिरने वालों को तो पकड़ लेते हैं भी चलो तबलीग करने, वो क्या तबलीग करें, लिकुल्ले फन्निन रिजाल, अल्लाह ने हर फन के कुछ लोग पैदा किए, जब तक उस फन के माहिरीन से इलम ना पढ़ा जाए इलम नहीं आता। अगर आपने डॉक्टरी पढ़नी है तो किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लीजिए, डॉक्टरी पढ़ने के लिए आप किसी सूफी साहब के पास चले जाए तो डॉक्टरी पढ़ेंगे, वो तो कहेगा भाई हक हु हक हु, उसने तो यही सिखाया। और अगर तसव्वुफ और मारिफत को सीखने के लिए आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो कहेगा मैं तो टीका लगाना जानता हूं, टीका लगवाना है तो सीधा हो जा, हकीकत मारिफत का मुझे पता नहीं है, हैं? अपनी हालत बताओ और दवाई ले ले। तो हर फन के कुछ लोग होते हैं, जैसे मौलाना रूम फरमाते हैं कि वो चार आदमी बैठे थे, एक था कुरान का हाफिज, एक था सूफी,
एक था पहलवान और एक था ये बावर्ची जो खाना पकाता है। चार आदमी बैठे थे तो तितर बोला, तितर तीतर एक जानवर है, वो जब बोला तो सूफी साहब ने कहा तितर कहता है सुभान तेरी कुदरत, क्योंकि वो सूफी थे। जो कुरान का हाफिज था उसने कहा तीतर कहता है इज समा उन फतरत, जो पहलवान था उसने कहा तीतर कहता है खा घी और कर कसरत, एक्सरसाइज कर और घी वगैरह खा। और वो जो बावर्ची था उसने कहा तीतर कहता है कूट नमक और अदरक, है नमक साल्ट और ये जिंजर अदरक। तो हर एक ने अपनी अपनी वो चलाई। तुम यहां हर फन के लोग होते, वो चूंकि नमक वगैरह अदरक वगैरह ही कूटता रहता था, उसने कहा तीतर भी यही कह रहा। पहलवान घी खाता था और कसरत करता था, उसने कहा यही कह रहा। सूफी साहब सुभान अल्लाह करते रहते थे, उन्होंने कहा ये कह रहा। हाफिज साहब कुरान पढ़ते रहते थे, उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी। तो असल में तीतर ने जो कुछ कहा है वो चारों को ही पता नहीं है। जैसे वो चार अंधे थे, चार अंधे, उन्होंने कहा चलो भी हाथी देखें, उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा और थे अंधे। वो आ गए तो एक वो हाथी के कानों को देखने लगा, कानों पर हाथ बार फेर करा। एक ने हाथी के सून पर हाथ रखा, वो हाथ गए वहीं फेर करा। एक ने उसके पेट पर और एक ने उसकी टांग पर। बाद में चारों इकट्ठे हुए, लोगों ने पूछा बोलो हाथी कैसा था। जिसने टांग पर हाथ फेरा, टांग देखी थी, वो कहने लगा हाथी ऐसा है जैसे दरख्त का तना होता है, दरख्त का हुआ होता है ना, उसका जो तना होता है ऐसा है। और जिसने पेट पर हाथ फेरा था, वो कहने लगा हाथी ऐसा है जैसे दीवार होती है। और जिसने वो कानों पर हाथ फेरे थे, वो कहने लगा हाथी ऐसा है जैसे कोई रबड़ का टुकड़ा होता है। और जिसने सूंड पर हाथ फेरा, उसने कहा हाथी ऐसा है जैसे कोई रबड़ का बड़ा मोटा पाइप हो। तो असल हाथी को किसी ने भी नहीं, जहां जहां किसी का हाथ पड़ा, फिक्रे हरकस बकदरे हिम्मते हो, जहां तक किसी की हिम्मत, जहां तक किसी की फिक्र प्रवास करती है वो वहां तक सोचता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूं कि लोगों ने तमाशा बना लिया है, जो कुछ जिसकी समझ में आता है हांक रहा है। और देखो लोगों को मेरी तकरीर सुनने से मना करते, मैं जा रहा हूं मल्ले मल्ले, मैं देखता हूं तकरीर में अक्सर चेहरे वो हैं जो रोज आते हैं और दरबन से आते हैं, उस मल्ले के लोग कम होते हैं। क्योंकि जब से मैं आया हूं ना उसी वक्त से ही लगे हुए, उसकी तकरीर ना सुनना, शिर्क फैला रहा है, बिदत फैला रहा है, तुम पर भी असर हो जाएगा। हालांकि मैं दावे से कहता हूं कोई बात भी गलत हो तो बताओ, हम भरे मजमे में ऐलान करने और तौबा करने के लिए तैयार हैं। और अगर हमारी बातें सही हैं तो फिर मान लो, और ये मानते भी नहीं और हमारी गलतियां भी नहीं निकालते हैं, तो ये जिद है, हठ धर्मी है, इसका तो कोई इलाज ही नहीं। पाकिस्तान में आगे जाए ना तो कश्मीर है, तो कश्मीर आधा पाकिस्तान के पास है आधा इंडिया के पास है। जो आधा पाकिस्तान के पास है उसको हम पाकिस्तानी कहते हैं आजाद कश्मीर, और दूसरे को कहते हैं मकबूजा कश्मीर। तुम कश्मीर में तकरीरों के लिए गया, बिल्कुल सरहद पर
यहां तक कि मेरी तकरीर की आवाज भी दूसरी तरफ जाती हो। इधर हमारे मोर्चे लगे हुए, उधर उनके लगे हुए, पहाड़ियां बड़ी ऊंची ऊंची, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, छोटी छोटी सड़कें, जीप के ऊपर जब जाते थे तो बस हर वक्त कलमा शरीफ ही पढ़ते थे, पता नहीं किस वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाना। बड़े खतरनाक रास्ते, बड़ी दूर दूर तक गए। तो वहां एक मौलवी ने, इनका एक मौलवी था, उसने हमारे खिलाफ तकरीर करते हुए कहा कि ये पीरों के मदार पर जाते हैं, मजाक करते हैं मजाक, और पीरों के मदार पर जाकर कहते हैं लै पीरा कुकड़ ते दे पुत्र, लै कुकड़ ते दे पुत्र। कुकड़ जानते हो? कुकड़ पंजाबी जुबान का लफ्ज है, इससे मुराद है मुर्गा। मुर्गा नहीं आप रोज खाते? तो मुर्गे को पंजाब में क्या कहते हैं? कुकड़। और बेटे को कहते हैं पुत्र। बेटे को क्या कहते हैं? पुत्र। और मुर्गे को कुकड़। तो काफिया मिला के तो लोगों को बहकाने के लिए कहते हैं कि ये मजारों पर जाती हैं, इनकी औरतें जाती हैं और जाकर कहती हैं लै पीरा कुकड़ ते दे पुत्र। तो फिर मजाक करते। उसने भी वहां तकरीर की। एक मौलवी मुझसे पहले वहां गया था, इसी वास्ते उन्होंने मुझे बुलाया था कि वो जरा कांटे फैला गया है, रोड़े फैला गया, सफाई कर जाओ। मैं गया, मैं कहा भाई देखो मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने किताब हाथ में ले ली और हवाला पेश किया। मौलवी अशरफ अली साहब थानवी खुद लिखते हैं कि मेरी मां के बच्चे पैदा होते थे तो वो जिंदा नहीं रहते थे, मर जाते। तो आखिर मेरे मामू, मेरी मां के भाई, एक मजजूब बुजुर्ग थे, मजजूब मस्त किस्म के बुजुर्ग, उनके पास गए और उनसे जाकर कहा बाबा जी मेरी बहन के बच्चे होते हैं वो जिंदा नहीं रहते, मर जाते हैं, तो आपके पास आए हैं, आप दुआ दीजिए। तो उस मस्त मजजूब ने कहा जा, दो बच्चे पैदा होंगे, दो लड़के होंगे, एक मौलवी होगा और एक मजजूब होगा, और दोनों का नाम अली के नाम पर रखना। बहुत अच्छा। थानवी साहब लिखते हैं कि फिर दो बच्चे पैदा हुए, बड़े का नाम रखा गया अकबर अली, छोटे का नाम रखा गया अशरफ अली, क्योंकि उसने कहा था अली के नाम पर नाम रखना। थानवी साहब कहते हैं मैं मौलवी हूं, उसने कहा था एक मौलवी होगा और मेरे बड़े भाई जो हैं वो मजजूब से है, उसने कहा था दूसरा मजजूब होगा। तो आगे थानवी साहब लिखते हैं कि मैं एक मजजूब की दुआ से पैदा हुआ हूं। मैंने ये हवाला सुनाया, मैंने कहा जरा गौर करो, मालूम हुआ उस मजजूब मस्त को मालूम था कि दो बच्चे होंगे हैं? एक मौलवी होगा, पैदा होते ही तो मौलवी नहीं थे ना, बालिग होकर ही इलम पढ़ना शुरू किया होगा, मगर उसको पहले से ही पता है एक मौलवी होगा एक मजजूब होगा और लड़के होंगे। मैं कहा मालूम हुआ मजजूब को इलम था, पहले मर जाते थे बच्चे, अब उसने कहा जा जिंदा रहेंगे, तो उसकी दुआ से अल्लाह ने मेहरबानी कर दी, तो इनके चले जाएं तो इनकी तौहीद ईमान में फर्क ना आए, और हम चले जाएं तो ये कहते हैं लै पीरा कुकड़ ते दे पुत्र, मजाक करते हैं। कौन इस तरह कहता है? ये सब बदनाम करने की बातें हैं। मैंने सुन्नियों से वहां पूछा कि बोलो भाई कोई जाकर तुम इस तरह कहते हो? उन्होंने कहा नहीं जी, यही कहते हैं कि जी दुआ करो। तो मैं कहा अब ये सुन लो, वो तकरीर टैप हो गई। जब टैप हो गई ना, तो वो जो थे ना शहर के लोग, ये वाकया है अब्बासपुर का, शहर का नाम है अब्बासपुर आजाद कश्मीर,
वहां के जो लोग थे जो ना इधर थे ना उधर थे, गोल मोल किस्म के रईस किस्म के लोग थे, उन्होंने भी जब तकरीर सुनी उन्होंने टेप ले ली और उस मौलवी के पास चले गए जो कहता था ले कुकड़ते दे पुत्र ले कुकड़ते, वो मजाक करता था ना, तो वहां चले गए। कहेंगे मौलवी साहब पहले ये टेप सुनिए और ये बताइए कि ये उकाड़वी ने जो हवाला दिया है ये सही है या गलत है। किसानवी साहब खुद लिखते हैं कि मैं एक मजजूब की दुआ से पैदा हुआ हूं, और ये सारा जो वाक्या उन्होंने बयान किया है कि उस मस्त ने कहा, ये सही है या गलत है पहले ये बताइए, इतना बाद में हम बात भी करेंगे कि ये वाक्या सही है या गलत है। और उसने किताब का हवाला भी दिया है और उसने ये भी कहा कि अगर हवाला गलत हो तो जो चाहो मुझे सजा दो, अगर गलत है तो हमें बताओ ताकि हम उसको पकड़े जाके, तो पहले ये बताओ सही है या गलत। मौलवी साहब कहेंगे हाँ है तो सही, गलत तो नहीं है, मगर इसका मतलब कुछ और है। उन्होंने कहा मतलब और क्या है? मतलब कुछ और है, क्या मतलब है इसका? मतलब हम कोई जर्मनी बोली थोड़ी है कि हम समझते नहीं है, उर्दू जुबान है, हम भी उर्दू जुबान समझते हैं। सीधी सी बात है कि बच्चे जिंदा नहीं रहते थे तो गए और उन्होंने कहा जाओ जिंदा रहेंगे, एक मौलवी होगा एक, जो खुद कहते हो वाकया सही है तो फिर मतलब बोलो क्या है। और हम मौलवी साहब आई बाएं शाही करने लगे, उन लोगों ने कहा मौलवी साहब आज हमें असल हकीकत मालूम हुआ कि तुम लोग हमें धोखे में रखे हुए, तुम शिर्क करते हो, जिसको तुम शिर्क कहते हो वो खुद तुम्हारे बड़े करते रहे, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ, या तो फिर उनको भी मुशरिक कहो, लेकिन आइंदा अगर तुमने हमें मुशरिक कहा तो याद रखना फिर लाठियां होंगी हमारी। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों मैं दावे से कहता हूं अभी भी मैं यहां मौजूद हूं साउथ अफ्रीका में, कोई सुबह नहीं चले जाना हवाई जहाज पर, मेरा ऐलान है जितने हमारे अकीदे हैं अहले सुन्नत के, हम सब के सब इनकी किताबों से साबित करते हैं कि ये उनको मानते हैं, तस्लीम करते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये हमारी हक्कानियत और सदाकत की दलील है कि हमारे अकीदे ऐसे सच्चे और सुथरे साफ हैं कि ये भी उनको मानते हैं, इनको भी उनका एतराफ है। लेकिन जो इनके अकीदे हैं जिनकी वजह से हम इनसे इख्तिलाफ रखते हैं वो ऐसे अकीदे हैं कि हुजूर की शान में इन्होंने गुस्ताखियां बेअदबियां की। ये खत्म दुरूद के झगड़े नहीं, नजरों ने आज के झगड़े नहीं है, झगड़ा ये है कि हुजूर की शान में बेअदबियां की है। आप सुनते रहते हैं लिखा है कि नमाज पढ़ते हुए जना का ख्याल आ जाए, बीबी के साथ मुजामियत करने का सारा नक्शा सामने आ जाए, बैल गधे के ख्याल में डूब जाए तो इतना बुरा नहीं जितना नमाज में रसूलुल्लाह की तरफ ख्याल ले जाना बुरा है। ये है वो बातें जिनकी वजह से हमें लिखा हुआ है नबी करीम की ताजीम इतनी करनी चाहिए जितनी बड़े भाई की ताजीम करनी है, और हुजूर हम पर ऐसे ही हैं जैसे बड़े भाई, अल्लाह ने उनको बड़ाई दी तो वो हमारे बड़े भाई और हम उनके छोटे भाई। लिखा हुआ है शैतान का इल्म हुजूर के इल्म से ज्यादा है, ये लिखा हुआ है खुदा ताला झूठ बोल सकता है, इन्होंने तो खुदा को भी माफ नहीं किया हैं? ऐसी बेअदबियां गुस्ताखियां की है कि मैं आपको क्या बताऊं। पिछली मरतबा जब मैं आया था तो वो एक था ना जिसने पैम्फलेट छापा था, तो मैंने 40 ही बारते लिखी थी, 40 ही बारते इनकी गुस्ताखाना, और 40,000 रैन का ऐलान किया था कि अगर कोई गलत साबित कर दे तो इतना पैसा ले दे। एक जगह मैंने 8 हवाले इस तरह पेश किए किताब हाथ में लेकर, मौलवी कहने का गलत कह गया है, मैं कहा 8 हवाले है ना तो फी हवाला 10,000 रैन,
हमारे पाकिस्तान का 1,00,000 रुपया बनता है 10,000 का, तो आओ 8,00,000 रुपया ले लो। हैं? फी हवाला 10,000 रुपया रैन अगर गलत साबित कर दो, किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि लिखा हुआ है किताबों में। तो हमें खुदा की कसम इनसे जो इख्तिलाफ है वो सिर्फ इस वजह से है कि इन्होंने और इनके बड़ों ने हुजूर की शान में गुस्ताखियां की, बेअदबियां करते, इस वजह से हमें इख्तिलाफ है, वरना हमें जाती इख्तिलाफ नहीं है। तो आप लोग जो मोहब्बत वाले हैं, आपसे क्यों मोहब्बत है? आपको मेरे चाचे के बेटे, मैं पाकिस्तान से आया हूं, आप अफ्रीका में रहते हैं, पीछे मैं पंजाब का रहने वाला, आप इंडिया के रहने वाले, मगर इतनी मोहब्बत है कि एक दूसरे को देखते हैं तो दिल खुश होता है, रूह को ताजगी हासिल होती है। तो ये मोहब्बत, प्यार और एक दूसरे को देखकर जो खुशी होती है, उसका बाइस क्या है? मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजीम रसूल, अकीदे का एक होना। और जो लोग हमें देखकर, तो देखते हैं ना, हमें देखते ही ऐसे हैं जैसे कि पता नहीं हमने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है, जैसे मुजरिमों को देखेंगे ऐसे, जैसे खा लेना, अरे भाई खुदा के लिए रहम करो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अगर हम तुमसे इख्तिलाफ रखते हैं तो इस बात से रखते हैं, तुम ये दूर कर दो गुस्ताखियां, बेअदबियां छोड़ दो, आज हम तुम्हें सीने के साथ लगाने के वास्ते तैयार हैं। तो याद रखो, खुदा की कसम हमें किसी से जाती या दावत या इनाम नहीं। लेकिन तुम इतनी सोचो सुन्नियों, मैं तुमसे कहता हूं कि ये तो तुम्हारे आलिमों का वाज भी सुनने के लिए नहीं आते। जिन मस्जिदों पर इनका खास कब्जा है, जहां इनकी तादाद ज्यादा है, मेजॉरिटी ज्यादा है, वहां ये तुम्हारे आलिमों को तकरीर भी नहीं करने देते हैं। तो तुम अगर इनके साथ तआमुन करो तो अफसोस तो तुम पर है, तुम अगर फिर इनको चंदे दो, इनके पीछे नमाजें पढ़ो तो अफसोस तो तुम पर है। तुम इनको कहो कि जब तुम हमें मुशरिक कहते हो, बिदती कहते हो, हैं? मैंने कहा कि मेरा ये अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने माँ काना व माँ यकून का इलम अता फरमाया, हुजूर नूरानी और रूहानी तौर पर हाजिर और नाजिर हैं, अल्लाह ने हुजूर को जो चश्मे बसीरत अता फरमाई है उससे सारी कायनात को देख रहे, हुजूर खिलकतन नूर है, हम हुजूर को या रसूल अल्लाह कह के पुकारते, खड़े होकर सलाम पढ़ते, बुजुर्गान दीन के मजारात पर जाते हैं, ये हमारे अकीदे हैं। बोलो ये अकीदे तुम्हारे नजदीक मुशरिकाना है या मुसलमाना? अगर मुसलमाना है, ये मुसलमानों वाले अकीदे हैं, तो लिख दे तो ये सारे अकीदे हक है, मैं इनको मानता हूं, मैं तेरे पीछे नमाज पढ़ता। और अगर तुम जो हो ये मुशरिकाना है, तो फिर हम मुशरिक हुए तुम्हारे नजदीक। तो बोल, मुशरिक की नमाज होती है? जब नमाज ही नहीं, हमारी नमाज तुम्हारे नजदीक नमाज ही नहीं है, तो फिर आगे पीछे पढ़ने का क्या मतलब? पहले तो ये मानो कि हमारी नमाज को नमाज समझते हो, तो ये तो हमें मुसलमान भी नहीं समझते। इसी वास्ते तो तबलीग करने निकलते हैं तो सबसे पहले कलमा पढ़ाते हैं। एक जगह निकाह था, वहां मैंने दूल्हा को कलमा पढ़ाया, कहने लगे बिदत है। मैं गलत बोले, हम निकाह के वक्त कलमा पढ़ाए तो बिदत है, गली गली कलमे पढ़ाते फिरते हैं, बिदत नहीं है। और मैं कहा मैंने भी तो कलमा ही पढ़ाया है, हैं? मैंने इसको क्या पढ़ाया? कलमा ही तो पढ़ाया। और ये निकाह के वक्त कलमा पढ़ाना क्यों जरूरी मुस्तहब है? नौजवान लड़के जो होते हैं ना, ये होते आजाद और बेबाक, दोस्तों के साथ खेलते हुए, बातें करते हुए, सैरो तफरी करते हुए मूड में होते हैं, तो बाद मर्तबा इनके मुंह से ऐसे कलमात निकल जाते हैं जो कुफरिया होते हैं। मसलन किसी ने कहा था ये शरीयत का मसला है,
ये सुन्नत है दाढ़ी रख। अरे रख तू अपने घर में सुन्नत, रख तू अपने घर में ऐसी शरीयत। पूछ लो उलमा से, जो ऐसा कहे वो काफिर हो जाता है। अगर किसी को कहा जाए ना ये शरीयत का मसला है, तो कहे रख तू अपने घर में ऐसी शरीयत, तो काफिर हो जाएगी। इसका मतलब ये कि उसने शरीयत का इनकार कर दिया, तो और कुफर किस चीज का नाम? कुफर के माने ही इनकार के। तो चूंकि लौंडे आजाद होती है, दोस्तों के साथ खेलते हुए और बाद हालात में इनके मुंह से ऐसे कलमे निकल जाते हैं जो कुफर के कलमे होते, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब निकाह पढ़ाने लगो तो पहले कलमा पढ़ाओ, ताकि ईमान की तजदीद हो जाए। और ये हुजूर का हुक्म है। हुजूर फरमाते हैं जद्दुल ईमाना बिशहादतिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ईमान की तजदीद करते रहा करो कलमा शहादत, यानी बार बार कलमा शहादत पढ़ते रहा करो, ताकि ईमान की तजदीद होती रहे, ईमान ताजा होता रहे। तो हम निकाह के वक्त अगर किसी को कलमा पढ़ाएं तो ये कहेंगे बिदत है, और खुद गली गली कूचे कूचे कलमे पढ़ाते फिरते हैं, वो बिदत नहीं। हमारा कलमा पढ़ाना इतना तकलीफ देता है कि उसकी मुहालिफत करेंगे, और खुद हर जगह किसी को पकड़ लेंगे तो कलमा हद ही हो गई है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि निकाह के वक्त कलमा पढ़ाना अच्छा है, ताकि ईमान की तजदीद हो। तो देख लो तुम, इनके मौलवी को बुलाओ और कहो जी पहले कलमा पढ़ाओ, कभी नहीं पढ़ाएगा, कहेगा बिदत। तो तिसी कलमे पढ़ाओ फिर, वो नहीं बिदत। गली गली कूचे कूचे पढ़ाओ, वो नहीं बिदत। और निकाह के वक्त पढ़ाना बिदत, तौबा तौबा, ये कैसी बात है। तो खैर दूर चली गई बात खामखा। मैं तकरीर कुछ और करना चाहता था, किसी और ही तरफ निकला हुआ हूं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो है जिसने भेजा अपने रसूल को बिल हुदा व दीनिल हक, हिदायत और सच्चा दीन देकर। हिदायत लेकर आए, हादी बनकर। बात यहां से चली थी कि ये कहते हैं कि अगर हुजूर हादी थे, हादी के माने हिदायत देने वाला, तो अगर हिदायत दे सकते थे तो अबू जहल को क्यों नहीं दी, अबू लाभ को क्यों नहीं दी, फलाने को क्यों नहीं दी? पहले भी आप सुन चुके। तो मैं इसका बहुत मुख्तसर जवाब देता हूं। मैं कहता हूं चलो हुजूर को तुम अगर हादी नहीं मानते हो तो अल्लाह को तो मानते हो या नहीं? अल्लाह तो हिदायत दे सकता है या नहीं? तो हमारा सवाल यह है कि अल्लाह ने अबू जहल को क्यों नहीं हिदायत दी, अल्लाह ने अबू लाब को क्यों नहीं हिदायत दी? क्या कहोगे अल्लाह भी नहीं दे सकता था? मजा तो उसी सूरत में ही आ सकता है जब ये कहो अल्लाह भी नहीं दे सकता, ताकि बिल्कुल ही सफाई हो जाए, जनाजा ही निकल जाए ईमान का। बोलो अल्लाह हिदायत दे सकता है या नहीं? तो फिर उसने अबू जहल को क्यों नहीं दी? इसलिए कि अल्लाह ने चाहा नहीं। वल्लाहु यहदी मन यशा, अल्लाह हिदायत देता है जिसको चाहता है। तो अबू जहल को अल्लाह ने इसलिए हिदायत नहीं दी कि अल्लाह ने चाहा नहीं। बस यही हमारा जवाब है कि जिसको अल्लाह ने नहीं चाहा उसको मुस्तफा ने भी नहीं चाहा है। मुस्तफा उसी को हिदायत देते हैं जिसको अल्लाह चाहे। बादशाह अगर वजीरे आजम से कह दे कि फलाने को जमीन नहीं देनी, फलां को जागीर नहीं देनी, तो वजीरे आजम देगा? क्योंकि बादशाह ने मना कर दिया। तो अब क्या कहोगे कि वजीरे आजम दे ही नहीं सकता? दे सकता है, मगर उसने फलां को इसलिए नहीं दी कि बादशाह ने रोक दिया। बादशाह की मर्जी नहीं है, बादशाह चाहता नहीं। तो हमारा ये अकीदा है कि हुजूर हिदायत लेकर आए,
हादी बनकर आए, मगर हुजूर उसको हिदायत देते हैं जिसको अल्लाह चाहता है। आप नहीं पढ़ते वदायन इलल्लाह बेइज़्ने ही, वो अल्लाह की तरफ बुलाती हैं अल्लाह के हुक्म से। तो जब अल्लाह हुक्म नहीं देता कि इसको नहीं बुलाना, तो हुजूर बुलाएंगे, तो क्या कहोगे बुला ही नहीं सकते? बुला सकते हैं मगर बुलाते नहीं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। हिदायत दे सकती हैं मगर देते नहीं, क्योंकि अल्लाह की रजा नहीं है। तो हिदायत लेकर आए, तो याद रखो हिदायत वही है जो हमारे नबी पाक की तालीमात, हमारे नबी जो कुछ लेकर आए हिदायत वही है। तो अगर तुम हिदायत हासिल करना चाहते हो तो हमारे नबी करीम की तालीमात और हिदायत पर अमल करो, जिंदगी के हर शोबे में, खाने पीने के मामले में, पहने के मामले में, रहने सहने के मामले में, मिलने मिलाने के मामले में, शक्ल सूरत के मामले में, कारोबार के मामले में, इबादात के मामले में, एतकादात के मामले में, जो कुछ हुजूर की हिदायत और तालीमात हैं उन पर अमल करो। जब उन पर अमल करोगे हिदायत हासिल कर। अल्लाह हुजूर हिदायत लेकर आए, हुजूर क्या लेकर आए? हिदायत। तो जब हिदायत लेकर आए तो हिदायत तो हुजूर की बारगाह से ही मिलेगी। तो हुजूर से ताल्लुक वाबस्ता रखो और उनसे हिदायत हासिल करो, हुजूर की सुन्नत पर अमल करो। एक बात मैं आज कर देता हूं, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि यहां जो बातें मैं देखता हूं सुन्नत के खिलाफ, तकरीर में एक एक बात करता जाऊं, इस तरह सारी बातें आप तक पहुंच जाएं। यहां मैंने देखा साउथ अफ्रीका में ये रिवाज है और ये अरब में भी रिवाज हो गया है कि लोग यहां थोड़ी पर दाढ़ी रखते हैं, हम इसको थोड़ी बोलते हैं, इधर दोनों तरफ नहीं रखते। हालांकि बोलो इसका नाम क्या है? दाढ़ी। और दाढ़ी को दाढ़ी इसलिए कहते हैं कि इधर दाढ़े हैं ना दोनों तरफ तो ये दाढ़ों पर उगी हुई होती है, इधर दोनों तरफ दाढ़े, तो दाढ़ों पर जो उगी हुई हो या वो दाढ़ी, तो वहां से तो आपने मिटाई हुई है, तो वो तो दाढ़ी ना रही। हमारे पाकिस्तान में ये इस तरह की दाढ़ी कादियानी रखते हैं, मिर्जाई, जो मिर्जा कादियानी को नबी मानते हैं। अगर कोई इस तरह की दाढ़ी वाला पाकिस्तान में चला जाए ना तो लोग कहेंगे ये कादियानी है। तो इस वास्ते ऐसी दाढ़ी मत रखो, पूरी करो दाढ़ी, दाढ़ी पूरी रखो। नहीं तो उलमा से पूछ लो, एक आलिम की दाढ़ी ऐसी थी, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक के जमाने की बात है कि उसने ये यहां से लबे कटवाई हुई थी और यहां से भी दाढ़ी मंडाई हुई थी, तो हजरत उमर ने उसकी शहादत कबूल नहीं की। तो ये बात लोगों को मैं देखता हूं कि उन्होंने यहां से सारी मंडाई हुई है और नीचे से इतनी सी लकीर रखी हुई है और ये सब मंडाई हुई है, तो ये सब शरीयत के खिलाफ। ये दाढ़ी जो उगती है यहां तक आए ऐ नबों तक, और नबे भी साथ मिलाओ, ये भी रखो। और दाढ़ी होनी चाहिए कब्जा भर, चार उंगल के बराबर है मुठ भर, ये सुन्नत के मुताबिक। हुजूर की दाढ़ी इतनी थी, पूरी दाढ़ी रखो। जिन लोगों ने छोटी रखी हुई है वो बड़ी कर ले। बाद लोग कहते हैं मौली साहब जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं रखी हुई उनसे तो अच्छे हैं, मैं कहता हूं कोई अच्छे नहीं। बोलो अगर कोई रोजा रखे और दिन के 10 बजे तोड़ दे और कहे मौली साहब बाल तो बिल्कुल ही नहीं रखते, मैंने 10 बजे तक तो रख लिया। कोई नमाज पढ़नी शुरू करे, चार रकतों की नियत करके नमाज शुरू करे और एक रकत पढ़ के सलाम फेर दे और कहे बाल तो जी बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, चार में से एक तो मैंने पढ़ ली, तो बोलो उसकी नमाज होगी उसका रोजा होगा? अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है उदखुलू फिस्सिल्म काफा, इस्लाम में दाखिल हो वो तो पूरे पूरे दाखिल हो वो। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि इस्लाम का माना है इताअत, हुक्म मानना।
तो ये दाढ़ी रखना अल्लाह रसूल का हुक्म है, जब आपने हुक्म माना है तो फिर पूरा पूरा माना। तो ये जो साइडों पर कटवाते हैं ये छोड़ दे, पूरी दाढ़ी यहां से लेकर पूरी रखे, और ये जो आगे से भी मूंढते हैं ये भी छोड़ दे, अच्छा भी नहीं लगता इनको, तो रोज मुसीबत बड़ी हुई है। जिस दिन उस तरह फेरे सेव करें जरा ठीक, दूसरे दिन फिर बाल उगे हुए होते। अब हमारे बाल ऐसे है जैसे कुदरत ने उगाए हुए, उसी तरह है। तो दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक रखो, पूरी दाढ़ी रखो, सर के बाल भी सुन्नत के मुताबिक रखो। हमारे नबी करीम की सुन्नत है कानों तक बाल, कानों की लौ तक बाल। जब बढ़ जाते थे बाल मर्तबा कन्नों तक आ जाते थे, जब कटवा देते थे तो कानों की लौ तक रह जाते। कानों तक बाल रखना ये हुजूर की सुन्नत है। तो शक्लों को सूरतों को भी सुन्नत के मुताबिक बनाओ, लिबास भी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक पहनो, और खुदा के वास्ते मुसलमानों अपने घरों में अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बहुओं को, अपनी बीवियों को ताकीद करो कि वो नंगे सर गलियों बाजारों में ना फिरे। बहुत बड़ा गुनाह है, सरासर इस्लाम के खिलाफ है। मुसलमानों की लड़कियां बाल खुले हुए हैं और नंगे सर गलियों बाजारों में काफिरों के सामने फिर रही हैं। मैं कहता हूं अगर इस्लामी पर्दा करें तो दूसरी कौमें भी देखकर सबक हासिल करें कि ये इस्लाम की तालीम। तो अफसोस हमें पता नहीं क्या हो गया है, हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीके को, नबी करीम की तालीमात को छोड़ते जा रहे हैं, यहूदो निसारा और काफिरों के तरीके इख्तियार करते जा रहे हैं। हुजूर हिदायत लेकर आए हैं, हिदायत वही है जो हुजूर लेकर आए। हिदायत मिलेगी तो सरकार की ही बारगाह से मिलेगी। मुसलमानों की इज्जत आबरू जान माल ईमान का तहफ्फुज है तो सरकार दो आलम की गुलामी है। हुजूर की गुलामी बादशाही से देकर, ये जो बूढ़े हो गए, बूढ़े जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, इनको तो चाहिए अब दाढ़ी रख ले। नौजवान तो नहीं ना रखते, कहते मौली साहब अगर दाढ़ी रख ली तो कोई रिश्ता ही नहीं देगा। ऐसा तो मन आ गया। पाकिस्तान में मेरी तकरीरें सुनकर बाद नौजवानों ने दाढ़ियां रख ली, फिर उनको रिश्ता ही देना दे। जहां उनके मां बाप सवाल लेकर जाए पहली शर्त यह हो कि लड़का दाढ़ी मुंडाए। तो वो लड़के मेरे पास आए कि मौली साहब अगर दाढ़ी रखे तो बीवी नहीं रहती, बीवी नहीं आती, बीवी आती है तो दाढ़ी नहीं रहती, तो अब हम क्या करें? बड़ी मुसीबत। मैंने कहा क्या करूं हैं? मैंने कहा भी ऐसा करो, अगर ऐसा मामला है तो चलो फिर बीवी के वास्ते पहले मुंडा दो, जब निकाह हो जाएगा तो फिर रख लेना, फिर तो नहीं ना जा सकेगी, फिर तो मामला तलाक पर ही होगा। तो तलाक तुमने देनी नहीं, उसने जाना नहीं, लेकिन है ये भी गलत। तो अफसोस हम लोग सोचते नहीं है। चलो ये नौजवान जो हैं ये तो बहाने करते हैं, मौली साहब अभी शादी नहीं हुई, दाढ़ी रख ली तो कोई रिश्ता नहीं देगा, ये है वो है। ऐ बुड्ढे जो हो गए सफेद बालों वाले, ये क्यों नहीं रखते? ये रखें, कब्र में जाना, पता नहीं कब मौत आ जाए। और कब्र में जाएंगे तो पहले दिन ही हुजूर से मुलाकात होनी, तो मुंह पर दाढ़ी होगी तो हुजूर ये तो फरमाएंगे मेरा उम्मत ही, मेरी सुन्नत पर अमल करना। तो दाढ़ियां रखो, बोलो आज से कितने बुड्ढे हैं जो दाढ़ियां रखें, हाथ खड़े करो। जिनके बाल सफेद हो गए, छोटी जिनकी हैं वो पूरी कर लें, जिन्होंने थोड़ी पर रखी हुई है सारी करें, और दाढ़ियां पूरी करें, अमल करो। बस नबी करीम की सुन्नत पर अमल करना असल बात ये, और ये हमारे नफ्स पर बहुत भारी है, बहुत दुश्वार है। जब ये आसान हो जाएगा सब कुछ मामला दुरुस्त है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। हुजूर हिदायत लेकर आए, हादी बनकर आए, जो हुजूर ने हिदायत दी है उन पर अमल करो, बस हिदायत हासिल कर जाओगे। जब हिदायत हासिल कर जाओगे, हिदायत याफ्ता हो जाओगे, तो दोनों जहानों में कामयाब।
मेरी तकरीर अभी पूरी नहीं हुई, अभी मैं तमहीद में ही था, तो चंद बातें मैंने अर्ज की हैं। इंशाअल्लाह अजीज किसी दूसरी मजलिस में इसको पूरा करेंगे, और पूरी हो ही नहीं सकती। मैं तो हैरान हूं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आदम से पहले फरिश्ते हुजूर की तारीफ कर रहे हैं, सारे नबी हुजूर की तारीफ, सारे नबियों पर ईमान रखने वाले हुजूर की उम्मत, दुनिया के मुसलमान, फर्श पर इंसान लगे हुए, आसमानों में और अर्श पर फरिश्ते सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, और ला मकान में खुदा ताला भी हुजूर की तारीफ सना कर रहा है, सलातो सलाम पढ़ रहा है, मगर हुजूर की शान पूरी नहीं, ना हो सकती है क्या है? कयामत तक सरकार की शान कमा हकूहू बयान, कोई ये दावा नहीं कर सकेगा कि मैंने नबी करीम के एक बाल की भी पूरी पूरी तारीफ कर दी। इसी वास्ते शाह अब्दुल अजीज साहब फरमाते हैं, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हकूहू, जैसा कि हक है नबी करीम की तारीफ और सना का, ये मुमकिन ही नहीं, हो सकता ही नहीं। बस इतना कह देती है, बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्त। तो हुजूर की इतनी शान, मैं तो हैरान होता हूं, जिधर देखो हुजूर की शान, अर्श फर्श पर हुजूर की शान के डंके बज रहे, पांचों वक्त हुजूर के नाम के डंके बजते हैं, इतनी शान हुजूर की है। अल्लाह ने कितना दर्जा मर्तबा दिया है, तो उस आका की गुलामी को बादशाही पर तरजीह दो, दुनिया की बादशाहियां मुस्तफा की गुलामी पर कुर्बान है। हुजूर का गुलाम बादशाहों से बेहतर है, जमाने को ना देखो, आका को देखो, रस्मों रिवाज को ना देखो, आका की खुशी को देखो, कहो यार रसूल बराब राजी हो जाए। मोमिन की जो है ना सबसे बड़ी आरज़ू, मोमिन की मेराज, मोमिन की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो दुनिया में नबी करीम को खुश कर, हुजूर खुश हो गए तो अल्लाह ही खुश। तो हुजूर किस तरह खुश होते हैं, हम हुजूर की गुलामी करें, हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर की ताजीम करें, ज्यादा से ज्यादा दुरूद ए सलाम के हदीये पेश करें। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। मैं एक पागल सा आदमी हूं, दीवाना सा, बस जिधर लग जाता हूं लग पड़ा, जिधर तबीयत चली गई, जो जहन में आ गया तो बयान कर देता हूं। तो मैंने जो कुछ भी बयान किया है, मोहब्बत से बयान किया है, खुलूस से बयान किया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ो और दुआ खैर करो। कितने रोज लेकर आते हैं आप तकरीर में, मेरी लिखी हुई किताबें जरूर हासिल करो, पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ, बांटो, जिस तरह ये अपनी किताबें बांटती हैं आप भी बांटो, जिस तरह ये किताबें पढ़ते हैं आप भी मेरी। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह सलावातुल्लाह। हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम, मेरे आका कुछ न की हमने कमाई, उम्र सब यूं ही गवाई, ऐ अरब वाले दुहाई, कीजियो मुश्किल कोशाई। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह सलावातुल्लाह। हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम,
आपके होकर जिए हम और आपके होकर मरे हम, जब कयामत में उठे हम अर्ज इस तरह करें हम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, सलावातुल्लाह अस्सलाम। ए साहिबे खुल्के अजीम, अस्सलाम ए मादने लुत्फे अमीन, आका दस्त बस्ता खड़े तेरे गुलाम, और आज जाना अर्ज करते हैं सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, वाला आलिका वाअस्हाबिका वाअज़वाजिका वाउलिया उम्मतिक वाउलमाए मिल्लतिक या नबी अल्लाह। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिही करीम वाला आलिही वसहबिही अजमाईन। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، صدق الله العلي العظيم। روشي پڑھیے اللہ देवल करम वाले व सहदेही व बारिक व सल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हजरात मोहतरम, आया करीमा जो आप हजरात के सामने तिलावत की है, इस आया करीमा का शान नुज़ूल लफ्जी तर्जुमा और चंद तफसीरी फवायद चंद मिनटों में आप हजरात के सामने पेश करने हैं। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन ने नबी करीम अलैहि सलातु वसलाम की खिदमत अकदस में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर दुनिया में हमें आपकी सोहबत आपकी रिफाकत हासिल है, शबो रोज आपकी जियारत करते हैं, बराह रास आपसे इर्शादात सुनते हैं,
आपके पीछे नमाजें पढ़ते हैं और दिन रात आपके दीदार पुर अनवार से अपनी आंखों को रोशन और मुनव्वर करते हैं। जन्नत में भी हमें आपकी रिफाकत और आपकी माइयत हासिल होगी या नहीं होगी, ये सवाल इसलिए पैदा हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, सही बुखारी शरीफ में हदीस है कि जन्नत में 100 दर्जे हैं, हर एक को उसकी हैसियत और उसकी शान के मुताबिक दर्जा मिलेगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में एक सबसे आला और सबसे बाला मकाम है जिसका नाम है वसीला। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो मकाम अल्लाह ताला के एक खास बंदे के वास्ते मखसूस है और मैं ये गुमान करता हूं कि वो बंदा मैं ही हूं। यानी फरमाया कि जन्नत में जो सबसे आला सबसे बाला मकाम होगा वो मुझे अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाएगा। तो सहाबाए किराम के दिलों में ये ख्याल पैदा हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो जन्नत में बहुत ऊंचे बहुत बुलंद बहुत आला और बाला मकाम में होंगे और हमें हमारी हैसियत और शान के मुताबिक दर्जा मिलेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जन्नत में हुजूर के दीदार को ही तरस जाएं। जन्नत में हुजूर की रिफाकत और उस